सिमट मचलती किरणों ने, हर सिमट मचलती किरणों ने अफसून है शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब बस में जहां महकाएंगे, अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है अकबर, अब कुछ भी हो हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। मुझे आज से ढाई बरस पहले मेरी रियासत तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अकबर साहब, मैं आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, आप आइए जो भी मिनिस्ट्री होना है ले लीजिए। मैंने पलट कर कहा कि इख्तदार के तलवे चाटना या इख्तदार के कुर्सियों पर बैठना, ये मेरा मकसद नहीं है। तुम मुझे नहीं, तुमको देना है तो अकबर ओवैसी को ना दो, देना है तो मुसलमानों को दो, और ये दो कहता गया। और इस तरीके से हम ये सब सत्तर वक्फ प्रॉपर्टीज, सेवेंटी वक्फ प्रॉपर्टीज के एनओसीज को क्लियर करने वाले का नाम कांग्रेस एनसीपी है। ना सिर्फ ये, क्या ये टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं थे? थे ना? मैं पूछना चाहता हूं टेक्सटाइल मिनिस्टर की हैसियत से मालेगांव के कितने लोगों की मदद की, भिवंडी के कितने लोगों की मदद की? किसी की मदद नहीं की, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और सिर्फ धोखे के जरिए, मिल्लत को रुसवा करने की राह। अरे आज ये दो चार नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत आए बहुत चले गए। अगर मैं इशारा करूं तो ऐसे ऐसा जवाब दे सकता हूं कि रास्ता भूल जाएंगे। अरे आरिफ नसीर खान के गुलामों, ये मुंबई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अरे ना ठाकरों से डरे, ना गांधी से डरे, ना पवार से, तो ये दाल पत्तों से डर जाएंगे। चैलेंज है, मां का दूध पिए है तो आ जाओ, चैलेंज है, आ जाओ। कब आते बोलो, कहां आते बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। ये जिस्म पे सीने पर तीन गोलियां खाई मैंने, मुझे तीन गोलियां मारे, सत्तर मर्तबा चाकू से मारे, इस हाथ पे चालीस मर्तबा मारे, लेकिन उसके बाद भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, खड़ा है यहां पे। और इसलिए नहीं मरा कि मुझे शायद मुंबई को फतेह करना था, शायद मुझे हिंदुस्तान को फतेह करना है, शायद मुझे आपके दिलों को जीतना है। हम हक बयानी कर रहे हैं, मालेगांव नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर नहीं हूं, ना ही शेर बनना है। मैं मुंबई में से, इस चांदी वैली में से शेर को पैदा करने आया हूं, ऐसे शेर को जो इस चूहे को निगल जाए, इस मुर्गी को खा जाए। बनना है शेर, नमाज पढ़ो,
रूठे हुए अल्लाह को मना लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, यतीमों की मदद करो, गैरों की मदद करो, अल्लाह को मना लो, फिर आज़ारिब रसीम खान जैसे लोग तुम्हारे दर तुम्हारे दरवाजे के गुलाम हो जाएंगे।